हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गगन श्रावत ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में बात करते हैं 250 सेगमेंट के बारे में। सो हमारे पास जो मोस्ट पावरफुल बाइक्स हैं, हमारे पास दो हैं बस, डोमिना 250 एंड ड्यूक 250। अब हालांकि हस्क वर्ना भी आ चुकी है 250 में, बट वो ये तीनों ही जितनी मैंने बाइक्स के नाम लिए हैं, इन सब में जो है KTM का इंजन यूज़ होता है, तो इसलिए जो पावर है ऑलमोस्ट सेम है। बस डोमिनार में थोड़ी सी कम पावर देखने को मिलती है, बट उसका प्राइस भी काफ़ी कम है। सो मेरे हिसाब से जो डोमिनार 250 है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, बट क्योंकि बजाज की जो सर्विस क्वालिटी है, जो पार्ट्स हैं उनकी, जो मेरिट है वो उतनी अच्छी नहीं है उनकी, उसकी इमेज बहुत ख़राब है। रही बात KTM की, तो KTM तो आप जानते हैं काफ़ी प्रीमियम बाइक बनाती है और काफ़ी पार्ट्स भी काफ़ी प्रीमियम होते हैं। सेम हस्कवर्ना, क्योंकि वो तो KTM की पेरेंट कंपनी है, तो उसने उसको ऑन कर रखा है, तो आप उससे एक अच्छी उसका उम्मीद कर सकते हैं पार्ट्स की। सो मेरे हिसाब से अगर आपको बिल्कुल एकदम रेट्रो फीलिंग चाहिए तो आप हस्कवर्ना के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपको KTM सब जानते हैं एकदम रो पावर चाहिए तो KTM 250। हालांकि 250 काफ़ी स्मूथ है, उसका जो पावर डिलीवरी है काफ़ी लीनियर है, उतनी फ्रेंटिक नहीं है जितनी ड्यूक 200 हुआ करती थी या 390 है। हाँ यस, एक टाइम के बाद जब उसका जो रेव रेंज 7000 RPM से ऊपर चली जाती है तो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है वो बाइक, और काफ़ी पावरफुल है, 30 bhp कम नहीं होती, सो काफ़ी पावरफुल है। रही बात डोमिनार 250 की, तो डोमिनार 250 भी बेटर बाइक है, बस आई डोंट नो कि उसके अंदर इतना वेट क्यों दे दिया बजाज ने, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसका जो पावर टू वेट रेशो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है उसका, तो उस वजह से शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसको चलने में। हालांकि एवरेज या माइलेज जिसको बोलते हैं वो थोड़ा सा उसका बेटर हो सकता है KTM का, थोड़ा सा आप लगभग आप 30 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी पावरफुल बाइक है और आपको पता है, तो थोड़ा सा फ्यूल को लेके थोड़ा सा वो ढीली है, बट चलने में बहुत अच्छी है। अब तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको लगभग 13.4 लीटर मिल जाती है, स्लीपर क्लच मिल जाता है, और जो उसकी लुक है वो है उनकी जो आती है सुपर ड्यूक 1290R, यही सेम ट्रीटमेंट आपको ड्यूक 200 में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी बाइक है, KTM अच्छा काम कर रही है। बस जो प्राइस है, मुझे लगता है कम से कम हर बाइक का जो प्राइस है, अब लगभग जो ओरिजिनल से बात करें तो कम से कम 20,000 आप मान लीजिए बढ़ चुका है, आई डोंट नो व्हाई। पहले जो 180 में मिल जाती थी आपको, अभी 2 lakh से ऊपर मिल रही है, और ये तो लगभग 240 तक जा चुकी है ड्यूक 250, एंड 390 का भी काफ़ी प्राइस, जो कि लगभग 3 lakh से नीचे आती थी, अभी 3 lakh क्रॉस कर चुकी है, लगभग 3,15,000-20,000 रुपये। सो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, उसको उतने फीचर ऐड नहीं हो रहे हैं, बस कुल मिला के कि BS6 देने से क्या है कि उसके लिए यूज़र के लिए क्या है, ठीक है इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, बट मेरे हिसाब से उसके अंदर काफ़ी और फीचर हो सकते थे उसमें, आप खासकर दोनों में आपको कलर TFT डिस्प्ले दी जा सकती थी, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, आप भले ही छोटी दे दीजिए थोड़ा सा दिखने में और अच्छी लग सकती थी, ठीक है आप उसमें LED दे सकते थे, अगर आप TFT भी नहीं दे रहे वो प्रीमियम के लिए बचा के रख रहे हैं 390 के लिए, तो आप उसमें जो है अब फ्रंट में आप LED दे दीजिए, DRL तो मिल जाते हैं, बट जो हेडलाइट है वो अभी भी हैलोजन बल्ब आता है, जबकि इतने चार्ज कर रही है KTM। दूसरा जो मुझे उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है KTM बाइक्स में, आप सर्विस चार्ज लेते हैं 700, बट फिर पार्ट्स की भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो ये कहाँ का रूल है मुझे समझ में नहीं आया। जब आप पहले 700 है आपने कर दिया, तो फिर से आप अगर जैसे कि डिस्क पैड अगर आप चेंज कराते हैं या कुछ और चीज़ चेंज कराते हैं तो उसके एक्स्ट्रा आप सर्विस चार्ज लेते हैं, तो वो जो 700 है आप उसको कहाँ जस्टिफाई करोगे। मीन्स अगर किसी को बस सर्विस करानी थी तो आप 700 ले लोगे, बट अगर जो पार्ट्स वगैरह अगर कराते हैं आप पहले से उसको थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, 1000 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, बट वो थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है 250 के या 350 के 450 के आपके जो डिस्क पैड है, बट जो वो लगते हैं सेम इंडिकेटर्स के साथ होता है, मानता हूँ इंडिकेटर्स के लिए पूरी असेंबली खोलनी होती है, बट जितना आप लगभग अगर सपोज कीजिए 1400 के या 1500 के इंडिकेटर है, आप लगभग 400-500 रुपये उनके लगाने के ले लेते हैं, तो ऐसा क्यों, मतलब एक पार्ट की कीमत 400 रुपये और उसको 400 रुपये फिट करने के ले रहे हो, आप कंपनी में तो फिट करने के लिए जाने दो, आपको बस स्क्रू खोलने होते हैं, तो ऐसा ना करें आप, बहुत अच्छा ब्रांड है, आप अपनी इमेज ख़राब ना करें। मुझे बहुत अच्छी लगती है KTM की बाइक, क्योंकि काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी अच्छा लगता है, आपको फीलिंग आती है, बट प्लीज़ आप एक यूज़र के प्रोस्पेक्ट से देखिए, रियली मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ,
सो प्लीज़ आप इस चीज़ को सुधारिए। एंड अगर आपको ये मेरे जो मैंने पॉइंट रेस किया, अगर ये आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके साथ भी क्या सेम प्रॉब्लम है आप फेस करते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।